इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। फ्लोटिंग फ्लावर सेड की एक लड़की यहां पे आती है, जो उस लड़की मतलब जो सेड की यहां पे सेंटेंस थी, लड़के लोग पागल यहां पे हो जाते हैं। यहां तक कि जो जियांगकोंग था ना, वो भी सोचता है यार जैसा इसके बारे में सुना था ना, ये तो उससे भी ज़्यादा सुंदर है। और लड़की भी मनी मन खुश है, यार मास्टर ने मुझे कहा था कि हम लोग ना बाद में यहां पे आएंगे, सबसे पहले तू आगे जा, क्योंकि तू हम में से सबसे ज़्यादा सुंदर है। तू जैसे जाएगी ना, सारे लौंडे लोग तेरे पीछे यहां पे पागल हो जाएंगे, उनका डिफेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, हम बीच में आएंगे, मौके का फ़ायदा उठा लेंगे और हमारा यहां पे बल्ले बल्ले हो जाएगा। लेकिन अपना डिंग्यू सबसे ज्यादा सख्त लौंडा है, वो सामने से दो मैडम छिनाल की बच्ची क्या मेरे रास्ते में यहाँ पे खड़ी है, चुपचाप यहाँ से निकलो वरना अंजाम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। जो सुनते लड़की को गुस्सा जाता, जोर से चिल्लाती, वो बदतमीज आदमी क्या तो बोले जा रहा है। सबसे पहली बात, मैंने तो उससे बोला ना, मैंने तो उससे कुछ कहा ना, तेरी और घुटके देखा, तूने सीधा मेरे साथ यहाँ पे बदतमीजी चालू कर दी, ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैं सामने घुटने पे आ और चुपचाप माफी मांग ले। जो सुनते डिंग्यू कहता मैं घुटने पे यहाँ पे नहीं आऊंगा, जस्ट शट अप। जो सुनते उसको और गुस्सा आ जाता है कि यार यार, एक तो भाई बेस्ती पे तो मुझे यहाँ पे मारे जा रहा है, मेरा जो गुस्सा ना सातवें आसमान में यहाँ पे जा चुका है, अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना गुस्सा आ रहा है कि भाई तुझे मार दूंगी, तो चुपचाप मेरे घुटने पे आ जा, तो मैं तुझे माफ़ यहाँ पे कर दूंगी। जो सुनते कहते मैडम यार आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपना सॉर्ड यहाँ पे निकाल लिया ना, तो आपका सर अलग जगह पे और बॉडी अलग जगह पे मिलेगा। जो सुनते लिटरली उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, भैया उसने अब ठान लिया कि भाई इतनी बेस्ती मेरे आज से पहले कभी यहाँ पे नहीं हुई थी, यानी आज यहाँ से जाऊंगी ना तुझे जान से मार के जाऊंगी। तो जियांग कोंग ना वो सामने यहाँ पे आता है, वो आते कहता है वो बदतमीज, या तू कोई बंदा नहीं है, बस एक फालतू सा बंदा जिसको हमने अपने सेट से बहुत ही पहले धक्के मार के यहाँ पे बाहर निकाल दिया था, और आज भी तू ऐसा ऐसा बर्ताव यहाँ पे किया जा रहा है। सामने से ना अपना मेन कैरेक्टर नहीं भाई डिंग यू कहता है कि ओ हो मैं देख सकता हूँ भाई तेरा पावर, तेरा स्वॉर्ड का पावर बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि भाई एक लड़की के भरोसे रहोगे, लड़की के पीछे यहाँ पे पागल रहोगे, उसके लिए खड़े यहाँ पर होगे ना, तो भाई एंड में तुम्हारे हाथ में कुछ मिलेगा बाबा जी का टुल्लू, यू आर जस्ट फकिंग बुलशिट एंड रबिश। तो जैसे सामने से ये सुनते ना भाई, इसको लगता है एक सेकंड, वो बार बार लड़की के बारे में कह रहा है कि मेरे बारे में तो यहाँ पे नहीं कह रहा, साले ने भाई कितनी आज मेरी बेइज्जती यहाँ पे मार दी। और जो जियांग कोंग था उसको भी गुस्सा था, जो भी जोर से चिल्लाता साले एक फालतू सा लौंडे जिसको हमने अपने सेट से बाहर निकाल दिया, आज हमारे सर के ऊपर चढ़ के यहाँ पे मुँह तेरा बस बहुत हो गया, अगर ऐसी बात है निकाल अपना सोड़ कर मेरे साथ यहाँ पे फट। पब्लिक यहाँ पे कहती है ओ माई गॉड भाई जियांग कोंग एकदम पगला गए भाई, पूरे गुस्से के मारे लड़ाई करे, गुस्से के मारे आप ही में मतलब आप ही के बाहर जा चुके। दूसरे का था ऑफकोर्स भाई तुमसे कोई भी ऐसा बातचीत यहां पे करेगा किसको गुस्सा नहीं आएगा, सबको गुस्सा आएगा, यहां तक कि मुझे भी गुस्सा तो आ ही जाएगा। जो सुनते सामने से अब बाकी पब्लिक कहती है चलो भाई देखते हैं भाई फाइट में यहाँ पे कौन जीतता है और कौन यहाँ पे नहीं जीतता। सामने से ना वो अपना स्वॉर्ड लेकर फाइट करने को तैयार है, लेकिन हमारा जो डिंग्यू ना बस मुस्कुराया जा रहा है। जियांग कोंग को बहुत गुस्सा, देख तो भाई बेइज्जती मार दिया पब्लिक ने, मेरे ऊपर हंसे जा रहा है, कुछ भी हो जाए आज तो भाई इसको जहाँ से मार कराऊंगा, और अपने स्वॉर्ड से सब हमला करना चालू करता है, और डिंग्यू उसके सारे हमलों को आराम से डॉच कर लेता है। जैसे डॉच करता है ना जियांग कोंग कहता कोई बात नहीं, ये नल्ले फालतू से ट्रिक है भाई, ऐसे ट्रिक से तू मुझे हरा नहीं सकता, मैंने तो हमला कर दिया, क्यों भाई तू बाप का दूध नहीं पिया है, आ भाई तू भी अपना स्वॉर्ड निकाल अटैक कर। जो सुनने सामने से डिंग्यू कहता कि वेल यार तेरी उतनी भी औकात नहीं है जो तेरे ऊपर मैं अपने स्वॉर्ड से हमला करूं। जो सुनने जियांग कोंग को और गुस्सा जाता है कि साले में तो खुद को कुछ ज्यादा ओवर पावर यहां पे समझ है, उतना भी कुछ खास यहां पे नहीं है, चूचो हमला करवाना मैं डायंड यहां पे करना चाहता हूं, तो लिटरली अपना पूरा पावर लगाता है और सबसे स्वॉर्ड से हमला करने यहां पे जाता है। तो फाइनली अपना डिंग्यू भी सोचता है चलो भाई हम भी हमला यहां पे कर ही लेते हैं, अपना स्वॉर्ड यहां पे निकालता है, निकाल के उसके छाती में ऐसा लगा देता है। अब देखो भाई छाती के हल्का सा अंदर यहां पे घुसा है, आर पार यहां पे किया नहीं है कल्टीवेटर, इसलिए हल्का सा घुसने पे इनकी मौत नहीं होगी, लेकिन बस वो हार गया है। अगर तुमने अपोनेंट के छाती में स्वॉर्ड यहां पे लगा दिया फिर हल्का सा घुसेड़ दिया, समझो तुम्हारा अपोनेंट है ना उस समय यहां पे हार चुका है। तो ये कहता ले भाई तू यहां पे हार गया है तो चुपचाप दफा हो जा। वो सामने से कहता नो 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 यार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, चीटिंग किया भाई तूने, पक्का कुछ ना कुछ और यूज किया होगा चीटिंग करके मुझे हराया। जो सुनने डिंग्यू कहता है साले नल्ले भाई तेरे जैसे बंदों का मैं क्या करूं, जो हार भी जाते हारने के बाद भी कहते भाई चीटिंग किया चुपचाप यहां पे हार मान जा रहे। वो कहता नहीं नहीं हिम्मत तो एक और फाइट यहां पे करो, देखो अगला फाइट में यहां पे जीतूंगा। डिंग्यू पूरे एटीट्यूड में खड़ा के भाई ये क्या भाई 1000 फाइट कर ले तो भी तो यहां पे टिक नहीं पाएगा। वो मनी मन सोचता कि वेल हां देखा जाए तो सच्ची में यार ये लौंडा इतना स्ट्रांग यहां पे कैसे हो गया, मैं वाकई में कुत्ते की मौत हार गया, इसने सॉर्ड कब निकाला कब यहां पे हमला किया मुझे तो कुछ यहां पे मालूम भी नहीं चला। उतने में पीछे से एक लड़की आती है डिंग्यू की बेसिकली एक्स यहां पर और जियांग कोंग की अभी करंटली वाली, अगर आपको याद होगा तो भाई उसकी जो एक्स यहां पे थी उसने कुटाई करवा दी थी डिंग्यू की अपने नए बॉयफ्रेंड को बोल के, नया बॉयफ्रेंड जियांग होंगी यहां पे था। तो सामने से आती कहती भाई डिंग्यू रुको मेरे बाबू को चोट मत पहुंचाओ, तो डिंग्यू को याद आता है यस मास्टर ने एग्जैक्टली यहां पे ठीक बोला था कि जब तक तुम्हारे दिल में किसी लड़की के लिए प्यार यहां पे रहेगा तुम जीतोगे जिंदगी में, कभी भी नहीं स्ट्रांग बनोगे जिंदगी में, कभी भी नहीं उखाड़ पाओगे जिंदगी में कुछ कभी भी नहीं। इसलिए सामने से जियांग को भी सेम ज्ञान फैलता है और कहता भाई
तुझे मालूम है क्या कि आज तू ये फट यहाँ पे क्यों आ रहा? वो कहता है कि नहीं भाई मुझे नहीं मालूम, बता। ये कहता है इस लड़की की वजह से। वो लड़की भी कन्फ्यूज, क्या मतलब है, क्या बकवास यहाँ पे किया जा रहा है, मेरी वजह से कहीं को आ रहा? डिंगू कहते हैं क्योंकि भाई तेरे दिल में इस लड़की के लिए प्यार है। अरे तेरे दिल में किसी भी लड़की के लिए प्यार वगैरह है ना, तू कभी भी सोड को उठा के जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाएगा। जो सुनते ही वो एक्स भी कहती भाई क्या बकवास किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये कहते यस ऐसा होता, अगर सची में तेरे दिल में तेरे आसपास कोई लड़की यहाँ पर है ना, तो तेरा जो है स्वॉर्ड का पावर, तेरा स्वॉर्ड निकालना, तेरा स्वॉर्ड सब कुछ हर जगह से यहाँ पे स्लो और कमजोर यहाँ पे कर देती है, जैसे कि यहाँ पे कर रही है। समझ गया क्या गधेड़ो? तो भी मनी मन सोचते कि सची में यही रीज़न है क्या जिस चक्कर में कन्फ्यूज यहाँ पे था और सही से लड़ाई नहीं कर पाया? इसलिए कहते हैं सुनो बाबू यार अभी के लिए तुम पीछे हट जाओ, मेरे बारे में सोचना मत, यहाँ से दूर चली जाओ, मैं फिर से इसके साथ यहाँ पे फाइट करके देखता हूँ। वो भी कहती ओके ठीक है। अपने डेंगू भी कहता चलो भाई फिर से तुझे फाइट यहाँ पे करने कर ले, लेकिन बेटा अभी तुझे चोट लगी है, मैं तुझे घंटे का रिकवर होने का भी टाइम देता हूँ। तो एक घंटे का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है और रिकवर कर लेता है, फिर से फाइट करने को तैयार हो। कहता है देख ले डिंगू पहली बार तो यहाँ पे हार गया था, लेकिन ये सेकंड टाइम मैं नापुर नहीं हारेगा और तेरी तो मैं बैंड बजा के यहाँ पे रख दूंगा। पब्लिक कहती ओ माय गॉड यहाँ पे राउंड टू यहाँ पे चालू होने वाला है। वो जो लड़की थी भाई जिसकी बेइज्जती हमारे डिंगू ने मार दी थी, वो मनी मन सोचती कि भैया इस शादी में मेरी बेइज्जती मारी, मुझे तो इसको जान से मारने का मन कर रहा था, लेकिन आई डोंट नो अभी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद भाई इसको कुछ ना हो, भगवान इसको बचा ले वही अच्छा होगा। सामने से वो तो बंदा बड़ा एक्साइटेड है जी होंगे और कहते कि देख भाई मैं तेरे ऊपर अपनी स्पेशल सी टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ जो कि खाली मुझे आती है, जो मेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है, एक ही अटैक में तेरा तो यहाँ पे बैंड बच जाएगा और ये ले, और अपने उस टेक्निक से अटैक यहाँ पे कर देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है गुड 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 बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मेन कैरेक्टर नहीं भाई डिंगू कहता बहुत ही बढ़िया, और ये भी हमला करने के लिए अपने शॉट से आगे बढ़ता, दोनों का हमला टकराता है और धमाका ब्लास्ट। जैसे ब्लास्ट यहाँ पे होता है ना, तो भाई जो अपना डिंगू होता है वो शो नहीं करता, वो दिखा नहीं देता। तो ये लोग भी कहते हैं भाई वो दिखा नहीं दे रहा, कहीं मर गया, उसके बॉडी के इतने टुकड़े हो गए कि शायद हमको दिखाया भी नहीं दे रहा। वो आसमान से एंट्री मारता है ये कहते हुए कि जियांग गोंग तू तो यहाँ पे गया, ये ले, और ढाम से एंट्री मार के उसको जमीन पर अटक के सेकंड टाइम भी हरा देता है। जैसे सेकंड टाइम हराता है तो जियांग गोंग भी कहता है भाई क्या हुआ, तू मेरा मुँह काहे को देखा जा रहा है, गुस्सा तो वार होगा तेरा सबसे बड़ा दुश्मन जो मैठा है, मार ले भाई मारना है तो मुझे, इतना नाटक मत कर। जो सुंदर डिंगू कहते साले भाई तेरी इतनी औकात भी है क्या, तेरी तो इतनी भी औकात नहीं है जो तू मेरे हाथों से मरे। ये जैसा बंदा जिसको स्वॉर्ड के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, मेरे स्वॉर्ड से मरना बिल्कुल भी डिजर्व यहाँ पे करता नहीं है, यार अपन तो गॉड लोग को मारने के लिए यहाँ पे पैदा हुआ, तू मेरे सामने भाई मैं तुझे इंसान भी नहीं मानता, तुझे तो चींटी मानता हूँ और चींटी को मारने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो जैसे पब्लिक यहाँ पे सुनती है ना कि अरे बाप रे क्या बंदा बातें कर रहा है कि सामने से भाई इंसान को नहीं बल्कि गॉड्स को मारूंगा, उतनी मेरी औकात है, क्या सच्ची में बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मास्टर यहाँ पे कौन है, और ऐसे वैसे बहुत सारी बातें लोग यहाँ पे किए जा रहे हैं। चला जी हैंग कॉन्ग वो भी पूरा ऐसा सदमे में बैठा हुआ है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और अभी तक अपना जो चूशुआ ने ना उसने एंट्री नहीं मारी, वो एंट्री यहाँ पे नहीं मारेगा, तो बैठे बैठे कुछ ना कुछ तो करेगा, अब जो कुछ करेगा मालूम चल जाएगा अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।